नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं जेब्रोलॉजी यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बूम 3 के बारे में आपको रिव्यू दिया था और बताया था ये कैसा है कैसा नहीं है। अब आपको इस वीडियो में आपको यहाँ पर पीटॉन बूम 2 और बूम 3 दोनों के बारे में आपको यहाँ पर कंपेरिजन वीडियो देखने को मिलेगी। पीटॉन बूम 2 वर्सेज पीटॉन बूम 3 दोनों में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या है कैसे है, सभी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो पीटॉन बूम 2 इसका जो डिब्बा है, इसका जो बॉक्स है, ये आपको चेंज करके दिया गया है। ये जो बॉक्स पहले दिया जाता था ये वो वाला नहीं है। यहाँ पर बूम 2 और बूम 3 में दोनों में अपडेट ये चीज़ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आप ये चीज़ देख सकते हैं, इसकी जो क्वालिटी है ये चेंज कर दी गई है पीटॉन बूम 2 के पहले वाले डिब्बे के मुकाबले। वो देखने में ज़्यादा बढ़िया लगता था पीटॉन बूम 2 का डिब्बा, ये इसके मुकाबले। तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की कि क्या है कैसे है। तो दोनों में आपको हम दिखा दें कि इसमें पहले के मुकाबले जो डिब्बा आता था केवल वही चेंज किया गया है या फिर उसके आगे का भी सब कुछ चेंज किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पहले एक बॉक्स दिया जाता था अंदर, तो सेम उसी तरह आपको यहाँ पर एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा पीटॉन बूम 2 के अंदर। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं किया गया है, आपको पहले भी एक बॉक्स देखने को मिलता था और अभी भी आपको ये एक बॉक्स देखने को मिल रहा है। अब हम इसके अंदर की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमें कैसे क्या वही कंटेंट्स दिए जा रहे हैं जो पहले दिए जा रहे थे या फिर कुछ चेंज किए गए। तो इसके अंदर हम ओपन करके देख लेते हैं और यहाँ पर आपको सेम उसी तरह बॉक्स दिएगा, इसमें अभी अंदर तो कोई चेंजेस वगैरह नहीं है। हाँ, साथ में आपको यहाँ पर एक कार्ड दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये कार्ड देखने को मिल जाएगा जिसको हम साइड में करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ये बॉक्स खाली देखने को मिलेगा और सेम वही पैकिंग जो कि पीटॉन बूम 2 के पहले वाले बॉक्स में देखने को मिलते थे, तो सेम वही पैकिंग है। इसमें आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, केवल और केवल ऊपर के जो बॉक्स है उसमें आपको चेंज देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर अंदर की जो पैकिंग है वैसी के वैसी है। इसको हम ज़रा बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ईयरबड्स वगैरह, यहाँ पर आपको अभी भी जो है 3 ईयरबड्स देखने को मिलेगा, बट इसमें जो पीटॉन बूम 3 में उसमें 2 कर दिया गया, अभी हम आपको वो भी दिखाते हैं। और साथ ही साथ फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ईयरफोन की क्वालिटी कुछ डाउन की गई है या वैसे की वैसे ही है। तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं वैसे की वैसी ही क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, इसमें कहीं कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। और ये क्वालिटी जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है थी पहले से, वो आज भी वैसे की वैसी ही है, तो इसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। अब हम पीटॉन बूम 3 को भी निकाल लेते हैं, फिर आपको दोनों में दिखाते हैं कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। तो पीटॉन बूम 3 को हम निकाल लेते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं आपको। इसमें आपको जैसा कि आपको पहले वीडियो में भी दिखाया है, केवल आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, इस बॉक्स के अंदर आपको ईयरफोन देखने को मिलेगा। तो ये उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, बट ठीक है, कोई बेकार भी नहीं है। तो इस बॉक्स को हम ओपन करके देख लेते हैं और यहाँ पर हमको 2 चीज़ देखने को मिलेगी, एक ये ईयरफोन और एक यहाँ पर ईयरबड्स वगैरह और ये बॉक्स। तो बॉक्स काफ़ी बढ़िया है, अच्छा है, बॉक्स में कोई भी कमी नहीं है। अलग से इसकी प्राइस 100-150 रुपये है, उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है। इसमें पीटॉन बूम 3 ने बढ़िया काम किया है और अपना यहाँ पर लोगो लगा के दिया है, तो इसमें आपसे कोई शिकायत नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीटॉन बूम 3 में जो दिए गए हैं ईयरबड्स वगैरह, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पीटॉन बूम 3 में जो है वो यहाँ पर कम कर दिए गए हैं ईयरबड्स। यहाँ पर आपको केवल और केवल 2 ईयरबड्स दिए जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा साइज और एक छोटा साइज, और जो मीडियम साइज है उस मीडियम साइज को आपको ईयरफोन में लगा के दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखते हैं बूम 2 में, तो बूम 2 में आपको अभी भी 3 दिए जा रहे हैं, एक बिग साइज, मीडियम साइज और स्मॉल साइज, साथ में आपको यहाँ पर लगा के भी दिया जा रहा है। अब हम दोनों ईयरफोन को बाहर कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि दोनों में क्वालिटी जो इम्प्रूव की गई है वो कैसी है और क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। हाँ, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इसके जो साउंड है दोनों के, ईयरफोन बूम 2 हो या बूम 3 हो, दोनों में ही साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। साउंड क्वालिटी में आप नहीं कुछ कह सकते हैं, दोनों में बहुत बढ़िया है। बूम 2 में आपको डुअल ड्राइवर ईयरफोन मिल रहे थे, बूम 3 में आपको डुअल ड्राइवर ईयरफोन मिल रहा है, साथ में आपको डीप बेस भी देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा इम्प्रूव और किया गया है इसमें, तो साउंड की क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया है। अब ओवरव्यू की बात कर लेते हैं जो आपको बाहर से देखने को मिलेगा। तो दोनों के ही साउंड बॉक्स की बात करते हैं कि दोनों में आपको साउंड बॉक्स कैसे देखने को मिलेंगे। तो दोनों में ही साउंड बॉक्स जो है वो काफ़ी बढ़िया है, पीटॉन बूम 2 जैसा कि पहले साउंड बॉक्स देता था वैसा ही है, काफ़ी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी देता है। और पीटॉन बूम 3 में जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है पीटॉन बूम 2 के मुकाबले। बूम 3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम लग्जरी सी फील आ रही है इसमें से, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है इसकी क्वालिटी देखने को आपको मिलेगी।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं वायरस की। तो वायरस में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वायर है रेड और ब्लैक कलर में दिए गए हैं। पीट्रॉन बूम 2 का रेड वाला वायर है और पीट्रॉन बूम 3 का ब्लैक वाला वायर है। तो वो तो कलर आप जैसा लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो वायर है पीट्रॉन बूम 2 का, इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं की गई है। बट पीट्रॉन बूम 3 में आपको सेम वायर जो पीट्रॉन बूम 2 में था वही देखने को मिलेगा, बट उसके ऊपर एक रबड़ की कोटिंग कर दी गई है, जो कि कंपनी ने सोच कर किया होगा कि काफ़ी बढ़िया रहेगा। बट ये उतनी अच्छी फील नहीं दे रहा है क्योंकि ये एक प्रीमियम फील नहीं दे पा रहा है। पीट्रॉन बूम 2 में कोई कोटिंग नहीं दी गई है, उसके बाद भी इसको हाथ में लेने पे एक अच्छी फील आ रही है और एक अच्छा जो है प्रीमियम सा लुक भी यहाँ देखने को मिल जाता है। बट पीट्रॉन बूम 3 में आपको जो रबड़ की कोटिंग दे दी गई है सोच करके कि मजबूती आ जाएगी, बढ़िया हो जाएगा, तो बिल्कुल वो मजबूती आई है और काम भी बढ़िया है, बट देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, फील भी उतनी अच्छी हाथ में लेने पर नहीं आ रही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आप क्वालिटी चाहते हैं अच्छी तो आप पीट्रॉन बूम 3 को ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लुक्स भी अच्छा हो तो पीट्रॉन बूम 2 के ले लीजिए। इसके ऊपर रबड़ की कोटिंग नहीं है, बट ये जो वायर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। करीब 1 साल हो गए हमें यूज करते हुए, आज भी इसमें कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं आई है, ना साउंड क्वालिटी में, ना वायर में, ना जैक में, कहीं कुछ भी। अब हम आपसे बात कर लेते हैं कि इसके जो माइक वाला बॉक्स दिया गया है उसमें, तो माइक वाले बॉक्स में आपको यहाँ पर पीट्रॉन बूम 3 में देखने को मिल जाएगा। बूम 3 में आपको यहाँ एक क्लिप देखने को मिल जाएगी जो कि आप आसानी से अपने सब कॉलर में क्लिप कर सकते हैं और बात वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो कि पीट्रॉन बूम 2 में नहीं थी, पीट्रॉन बूम 3 में दी गई है। उसके बाद अब ये जो बॉक्स देखने को मिल रहा है पीट्रॉन बूम 2 में और बूम 3 में, जो कि माइक लगा हुआ है, बटन और वॉल्यूम को स्लाइड करने के लिए दिया गया है, इसमें बूम 3 में एकदम बेकार कर दिया गया है। पीट्रॉन बूम 2 में आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का देखने को मिल रहा है, जो कि ऊपर से नीचे आप स्लाइड करेंगे और स्लाइड करके अच्छे से इसकी आवाज़ ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक माइक देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आपकी आवाज़ कैच करता है, और यहाँ पर एक बटन जो देखने को मिल रहा है ये भी बहुत बढ़िया है। ओवरऑल पीट्रॉन बूम 2 का जो माइक बॉक्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, बट पीट्रॉन बूम 3 में आपको जो माइक बॉक्स देखने को मिल रहा है इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। और यहाँ पर जो आपको स्लाइड करने के लिए बटन दिया गया है, स्मूथ ये तो जरूर है बट देखने में इतना बेकार है कि इसके बारे में कुछ और नहीं कहा जा सकता है। यहाँ पर जो आपको बटन दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ वाला है और देखने में भी एकदम घटिया क्वालिटी का है, बट यहाँ पर जो माइक दिया गया है इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो माइक की बात करें पीट्रॉन बूम 2 या बूम 3 दोनों में ही बहुत अच्छी है। स्लाइड वाला बटन जो है वो बूम 2 में ज़्यादा अच्छा था, बूम 3 में उतना अच्छा नहीं है। और जो बटन दिया गया है प्रेस करने के लिए कॉल अटेंड ऑन ऑफ करने के लिए, वो जो है बूम 2 में ज़्यादा अच्छा देखने में दिया गया है, बूम 3 में उतना अच्छा नहीं दिया गया है। क्वालिटी उसकी अच्छी है बट लुक उतना अच्छा नहीं दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद पीट्रॉन बूम 3 में आपको यहाँ पर एलेक्सा असिस्टेंट भी आपको देखने को मिलेगा, गूगल असिस्टेंट भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये चीज़ इससे अच्छा है कि आप ये चीज़ काम कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिया गया है। बट ओवरऑल बॉक्स की बात की जाए माइक वाले तो उतनी अच्छी क्वालिटी इसमें नहीं दी गई है बूम 3 में। अब हम बात कर लेते हैं उसके नीचे के वायरस की, तो सेम यही वायरस की बात है। तो वायरस आप देख सकते हैं जो कोटिंग की गई इस वजह से इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल मजबूती जो है वो दोनों ईयरफोन में ज़्यादा है। पीट्रॉन बूम 2 के मुकाबले बूम 3 में ज़्यादा मजबूती दी गई है क्योंकि इसके ऊपर रबर कोटिंग दी गई है, फील उतनी अच्छी नहीं आ रही है, देखने में उतना अच्छा लुक नहीं आ रहा है, बूम 2 में ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके 3.5mm जैक के ऊपर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में यहाँ जो 3.5mm जैक दिए गए हैं इसके कंपेरिजन में आपको यहाँ पर दोनों ही गोल्ड प्लेटेड देखने को मिल जाएंगे, दोनों ही काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के हैं, दोनों ही मजबूत हैं और दोनों ही आपको मेटल बॉडी के मिलेंगे। बट लुक्स वाइज बात करते हैं अगर जो हम, तो पीट्रॉन बूम 2 का लुक ज़्यादा बढ़िया आ रहा है पीट्रॉन बूम 3 के मुकाबले। पीट्रॉन बूम 3 वाला जो है वो एक सस्ती ईयरफोन की तरह इसका लुक आ रहा है, उतना अच्छा लुक नहीं है, बट मजबूती क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है पीट्रॉन बूम 2 की भी और पीट्रॉन बूम 3 की भी। दोनों में जो 3.5mm जैक है क्वालिटी में इसका कोई भी कमी नहीं रखी गई है। लुक्स की बात करें तो लुक्स में थोड़ा सा कमी पीट्रॉन बूम 3 में आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल ये चीज़ थी, अगर आपको कहीं कुछ कमी लग रही हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो लुक्स को अगर आप इग्नोर कर सकें तो आप पीट्रॉन बूम 3 को ज़रूर ले सकते हैं, अगर आप लुक्स को भी मद्देनज़र रखना चाहते हैं तो आप पीट्रॉन बूम
2 को ले सकते हैं। पीटॉन बूम 2 इस वक्त प्राइस चल रही है करीब 400 रुपये और पीटॉन बूम 3 की प्राइस चल रही है इस वक्त 550 रुपये। पीटॉन बूम 3 में आपको ये बॉक्स भी दिया जा रहा है जिसकी प्राइस करीब करीब 100 से 150 रुपये होती है, बट इसके साथ फ्री है ये केस आपको मिल जाएगा रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है और कौन सा लेना चाहेंगे। साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोनों में ही लाजवाब साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी, तो आप जो चाहें वो ले सकते हैं। आपको दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। प्राइस इस वक्त काफ़ी अच्छी चल रही है, आप बेशक ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये जानकारी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे एक और नए किसी फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।